नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। तो दोस्तों, अगर आपने नई मशीन ये खरीदी है, इसमें कि जैसे कि हम ये नई मशीन लेके आए हैं, आज इस वीडियो में हम जो है इसमें धागा डालेंगे और इसको चला के देखेंगे और सारे फीचर हैं उनको दिखाएंगे। यानी कि अगर आप पहली बार मशीन ये ली है इसमें कि और आपको चलाना नहीं आती है, तो इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल ही सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इसके फीचर के बारे में और सब कुछ इसमें दिखाते हैं करके। तो दोस्तों, जैसे कि ये प्लग है इसका, अब इसमें देखिए लगाते हैं। तो इसको प्लग लगाने का तरीका ये है। तो देखिए, ये 1 2 3 ये उभरा हुआ है, इधर साइड में प्लेन है, तो ये उभरा वाला इधर साइड में रहेगा, ये खांच बनी हुई है। तो ऐसे करके ये हमको लगाना है, तो इसको ऐसे करके हमको इसको पूरा ही फिट कर देना है। ओके, ये है प्लग और ये इसका गया है प्लग, है ना, ये स्किलेटर का है, ये प्लग का है। तो इसमें हम इसको लगा देते हैं, तो जैसे ही लगाएंगे ये मशीन चालू हो जाएगी। इसको हमको कहीं भी नीचे आप रख सकते हैं, और बचा ये स्किलेटर, तो इसको भी आप नीचे रखना है, मतलब अगर इसके ऊपर बैठेंगे तो इसको नीचे रख देना है। ये देखिए, इस पर चलाएंगे तो ये मशीन चलेगी, यानी कि इस पे पैर से आपको चलाना है। अब हम इसमें सबसे पहले बोबिन भरते हैं, उसके बाद धागा डालते हैं। देखिए, ये है इसकी डिब्बी और ये है इसकी बोबिन। बोबिन जो है ट्रांसपेरेंट है, मतलब यही लगेगी और दूसरी मत चलाना, यही बोबिन लगेगी। ओके, तो हम यही जो है इसमें आप धागा भरते हैं। तो देखिए, धागा कैसे भरेंगे, अब इनमें से ये वाली खूंटी ऊपर कर लें या फिर जो है ये वाली कर लें, तो हम ये वाली कर लेते हैं। इसको हमको कर लेना है और यहाँ पर जो है हम, तो यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हमको क्या काम करना है, इसको हम यहाँ पर धागे को लगाएंगे और इसमें लपेट देंगे। तो देखिए, इसको जो है ऐसे करके रखना है, ये धागा जो है ये इस टाइप से रहे, ऐसे नहीं रखना है, उल्टी नहीं रखना है, ठीक है ना। इसको ऐसे करके रखेंगे और इसको बंद इधर साइड में ढकेल देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपको क्या काम करना है, जैसे कि ये पहिया है, इसको बाहर के लिए खींचना होगा। बाहर के लिए जब खींचेंगे तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिक, मतलब मशीन नहीं चलेगी, और सिर्फ ऐसे करके देखिए ये आवाज़ करा, तो बोबिन ही सिर्फ भरेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो अब हम भरते हैं। तो ये देखिए, हमारी बोबिन भरने लगी। तो जितना धागा भरना हो बहुत ही सफाई में भर जाता है। तो उसके बाद हम इसको इधर साइड में करेंगे और इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद इसमें कटर भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब हम डिब्बी को लगाते हैं, तो इसको निकालना है और इसको ऐसे करेंगे। अब इसको लगाते हैं, इसको ऐसे करके रखना है, इसको इधर साइड में, और ये वाली जो खूंटी है इसकी, ये इसमें फिट रहना चाहिए, इसमें फिट होना चाहिए, ठीक है ना। ये फिट हो गए, इसको खींच के देख लेना, ये सही है बिल्कुल। उसके बाद जो है इसको हमको ऐसे इसमें डाल देना है और इसको बंद कर देना है। इसको भी लगा देंगे, अब हम धागा डालते हैं। तो धागा हमको यहां पर से लेना है और इसके अंदर से, तो देखिए, इसके अंदर से ऐसे करके लेना है धागे को, और उसके बाद जो है, यहाँ से नीचे के लेके आना है धागे को, और इधर से ऐसे करके इसके अंदर से घुमा के यहाँ पर ले आना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर आएंगे, इसके अंदर हमको फिट करना है, ये हो गया। और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसमें डाल देना है, ऐसे करके खुला होता है ना इसलिए। और उसके बाद हम ऑटोमेटिक सुई में देखिए डालेंगे, चाहे तो आप इसको बूट नीचे करके इसको ऐसे ही डाल सकते हैं, धागा ऐसे करके डाल दें पड़ जाएगा, और या फिर आप इसको नीचे करें। तो देखिए, इसको नीचे लाए और यहाँ पर से इसमें लेके आए, और इसमें लगी होती पिन, पिन को ऐसे करके ये छेद होता है इसके बाहर आ जाती है पिन, और इसमें फांस देना है धागे को, और इसके बाद इसको इधर के लिए खींचना है और छोड़ देना है। ये धागा अपने आप ही पड़ गया, बहुत इजी तरीके से पड़ जाता है धागा, ये ऑटोमेटिक। उसके बाद एक पहिया घुमाना है और ये धागा ऊपर आ जाएगा,
धागा ऊपर आने के बाद अब हम इसको मशीन को चलाते हैं। अब देखिए हमको सबसे पहले सीधी सिलाई लगाना, तो सीधी सिलाई कहाँ पर से लगेगी, तो देखिए ये वाला जो है हिस्सा, मतलब एक से लेके और जो है चार से पाँच तक, इससे तो सिलाई कम ज़्यादा होती है, छोटी बड़ी होती है। तो कितनी पे हम रखेंगे, तो तीन पे हम रख देते हैं अपनी सिलाई, तीन पे रख दें या ढाई पे रख दें, जितने पे रख दें, ये तो सिलाई वाला है, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा अब जो हमको सीधी सिलाई लगाना होती है वो देखिए, ये जो है इसमें आप देख सकते हैं सीधी सिलाई हमको ए वाले हिस्से पे रखेंगे तो सीधी सिलाई आएगी। तो देखिए तो ये ए वाला हिस्सा ये है, तो अगर इस पर हम रख देंगे तो सीधी सिलाई ही हमारी आएगी, ठीक है ना। तो अगर बी पे रखेंगे तो वो थोड़ी सी दूसरे तरीके की आती है, सी पे है वो जिग जैग में आ जाएगी। तो ए पे हमको रखना, ए पे रखेंगे तो सीधी सिलाई ही आएगी। देखो आप कम इधर घुमा भी सकते हैं ना, अभी मैं सारी सिलाई लगा के आपको दिखाऊंगा। तो ए पे हमने रख दिया, अभी ये सिर्फ पहिया घूम रहा है अंदर का हिस्सा, तो अब हमको मशीन नहीं चल रही, तो इसको हमको दबाना है अंदर को। देखिए अब हमारी मशीन चलेगी, अब देखिए हम चलाते हैं। तो ये देखिए हमारी सिलाई दे रही मशीन, कितनी बेहतरीन सिलाई आ रही है ना, दोनों तरफ एक बेहतरीन। आप सिलाई छोटी करना हो तो आप इस पे कर सकते हैं, देखिए दो नंबर पे करा सिलाई और छोटी हो जाएगी। तो ये देखिए ये सिलाई छोटी हो गई, बड़ी करना है तो चार नंबर पे करेंगे और बड़ी हो जाएगी। कितनी बड़ी बड़ी सिलाई दे रही है ना। अब ये तो आपके समझ में आ गया होगा ये सिलाई वाला सिस्टम। अब देखिए दूसरे तरीके की सिलाई लगाते हैं, यहाँ पर से ये रहा, अगर सिलाई लगाएंगे तो टांकी बांधेंगे तो टांकी भी बंधेगी। पहले मैं आपको टांकी बांध के थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो टांकी भी आप इससे बांध सकते हैं, है ना, तो ये सही है। अब मैं दूसरी सिलाई लगा के दिखाता हूँ। दूसरे टाइप की सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले मैं ऊपर वाली ये लगाऊंगा सब सारी सिलाइयाँ, उसके बाद दूसरे। तो ए पे थी, अब हम बी पे करते हैं, तो ये रही बी पे, अब देखते हैं कौन सी लगेगी। तो ये इधर साइड की लग रही है सिलाई, है सीधी सिलाई, लेकिन इधर इधर साइड में हटा दी इसने सुई को, इधर साइड में हटा दिया और चल रही है। अब देखिए अब लगाते हैं सी पे, तो ये देखिए ये सी पे है, अब चलाते हैं। इसने देखिए ये वाली सिलाई दी है, अगर आपको इसको छोटा करना है तो आप क्या करें, इसके टांके को ऐसे ऐसे में छोटा करना है, तो आप इसको ए से इसमें जितना भी आप इसको छोटा करेंगे ये निशान बना हुआ छोटा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इतना कर दिया, इसको और करते हैं, अब लगाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आई है, अब हमको बिल्कुल घना करना है इसको, तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसको इधर पलट देते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे और इसको सिलाई को कम करेंगे, अब लगाते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है, अगर जिग जैग बढ़ाना हो तो सी पे कर देते हैं पूरा, अब देखिए। और घनी करना हो तो और भी घनी हो जाएगी। तो है ना बेहतरीन। अब मैं आपको डी वाली दिखाता हूं, वो ये डी पे सिलाई को अपना वो ढाई नंबर पे रखेंगे। डी वाली कौन सी सिलाई है, देखिए डी वाली ये वाली सिलाई है,
ये वाली लगेगी। पहले ऐसे ऐसे पूरी आ रही थी, अब इसमें बीच में सिलाइयाँ जाएंगी। ये देखिए, तो ये कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा सा सिलाई को कम करेंगे। तो ये देखिए, अब दूसरी लगाते हैं। अब डी वाली से लेके ई वाली लगाते हैं। अब ई वाली देखिए, तो अब ई वाली हो गई। इसको भाई हम अपने ढाई पे रखते हैं। तो देखिए ये वाली उसने सिलाई दी है, इसमें आप सिलाई को छोटा बड़ा कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। सिलाई को महीन करेंगे, तो ये जैसे हार्ड वाली जांच नहीं होती वैसे उस टाइप से सिलाई लग रही है। अच्छा ई वाली लग गई, अब एफ वाली लगाते हैं। और देखिए ये वाली डेढ़ पौने दो नंबर पे है, सिलाई महीन है, थोड़ी सी बड़ी करेंगे, दो नंबर पे रखेंगे। ये कुछ इस तरीके की आ रही है। तो ये वाली लग गई, अब दूसरी लगाते हैं। तो देखिए कितने तरीके की हैं, अभी मैं आपको सारी दिखाऊंगा। तो ये हो गए, अब लगाते हैं जी वाली। ये है जी, तो ये जी पे आ गई। अब हम जी वाली लगाते हैं, देखिए। ये वाली देखिए जी वाली सिलाई, अब नीचे की रह गई हैं। अब देखिए नीचे की रह गई हैं। अब ये वाली हम लगा के दिखाते हैं आपको। अब दोस्तों एक चीज हमको समझ लेना है, ये वाली जो सिलाइयां लगेंगी इसको हमको अब घुमा के यहां पर लाना है, तब इस इधर वाली सिलाइयां लगेंगी। फिर से हम ए बी सी डी इसको रोट घुमा देंगे। देखिए ए पे आ गया ये। तो दोस्तों अब हमको ये वाला हिस्सा जो है ये घुमा के यहाँ पर लाना है। देखिए अब देखिए ये वाला एक्टिवेट हो गए, ये वाले हिस्से। तो ए वाला हम सबसे पहले लगाते हैं, ये तीन सिलाइयाँ एक बार में लगेंगी। देखिए तो देखिए ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि इसमें डबल करना पड़ती है सिलाई, तो इसलिए स्पीड। तो ये देखिए ये हमारी सिलाई लग रही है, डबल सिलाई एक साथ इसने लगाई है। तो अगर आपको कहीं मोटी जगह पे मतलब डिजाइन बनाना हो तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब दूसरी वाली लगाते हैं, यहाँ पर बी करते हैं। तो दोस्तों बी वाली भी सीधी ही है, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अब सी वाली लगाते हैं। तो ये वाली देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है देखने में सिलाई, ठीक है ना। तो अब हम जो है तीसरी यूज करते हैं डी वाली। वीडियो चाहे जितना भी लंबा हो जाए लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा पूरी चीजें। तो डी वाली ये है, तो डी वाली इसको घुमाते हैं।
ये देखिए ये वाली सिलाई लगी है, कितनी बेहतरीन लग रही है देखने में। हाँ एक दो तीन चार तरीके की लग गई। अब लगाते हैं ई वाली। देखिए ये है ई वाली, तो देखिए कितनी बेहतरीन लगी ये भी। अब लगाते हैं एफ वाली। तो ये देखिए इसमें इतना फर्क है, एक ये एफ वाली है एक ये वाली है। अब लास्ट की रह गई है, लास्ट की रह गई जी वाली। तो इस तरीके से आप इसको सारी सिलाइयाँ लगा सकते हैं, लेकिन इसमें अब एक चीज़ है, ये वाली जो बची हुई है एक दो तीन, ये काज के लिए है। अब जो है ये हम किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो में इस्तेमाल करेंगे, ये काज वाला, तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। और सीधी सिलाई लगाना हो तो फिर से आपको इसी को ए पे ले आना है, और इसको तीन पे या दो पे जिस पे चाहें उस पे ले आ सकते हैं, सीधी लगने लगेगी। और टांकी लगाना हो तो टांकी लगा सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हमारी डिजाइनें आई हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।